हम पढ़ेंगे ल्यूक 12 चैप्टर 1 वर्स से 21 वर्स, जज्जस 7 चैप्टर 8 चैप्टर। हम पढ़ेंगे लूक का रचित सुसमाचार 12 अध्याय का 1 वचन से 21 वचन तक, न्यायियों की पुस्तक 7 अध्याय 8 अध्याय। हम पहले पढ़ेंगे लूक का रचित सुसमाचार 12 अध्याय का 1 वचन से 21 वचन तक। रिपांति खंबरा खशरबे के तीन रपाह कसियांदुरा लैक्तुल्ला रपाह अखासियांबर खुसा रिदान अखोबरा खासियांदुरा। पवित्र आत्मा हमारी मदद करो, वचन के अलावा हमारा जीवन नहीं है। स्वाभाविक मनुष्य वचन को नहीं समझ सकता है, आत्मा ही परमेश्वर वचन को स्वीकार सकता है और वचन का फसल लाने में हमें पूरा तैयार कर सकता है। हमारी मदद करो पवित्र आत्मा, आपके ऊपर हम निर्भर हैं इन वचनों के लिए। हमारे अंदर ये वचन भरने के लिए हम धन्यवाद करते हैं। ये वचन खाली खनखनाने वाले बर्तन नहीं रहेंगे, बल्कि इसका इस्तेमाल परमेश्वर के आत्मा आप करोगे हमारे जीवन को परमेश्वर की महिमा देने के लिए। इस बात के लिए हम तुझे धन्यवाद करके ये वचन को पढ़ने के लिए हम अपने मुँह को खोलते, हमारी आवाज़ को खोलते हैं और ये हमारी आराधना परमेश्वर स्वीकार कर। नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमेन आमेन आमेन। लुका रचित सुसमाचार 12 अध्याय 1 वचन से 21 वचन पढ़ेंगे। इतने में जब हजारों की भीड़ लग गई, यहाँ तक कि एक दूसरे पर गिरे पड़ते थे, तो वह सबसे पहले अपने चेलों से कहने लगा कि फरीसियों के कपट रूपी खमीर से चौकस रहना। कुछ ढपा नहीं जो खोला न जाएगा और न कुछ छिपा है जो जाना न जाएगा। इसलिए जो कुछ तुमने अंधेरे में कहा है वह उजियाले में सुना जाएगा और जो तुमने कोठरियों में कानोकान कहा है वह कोठों पर प्रचार किया जाएगा। परंतु मैं तुमसे जो मेरे मित्र हो कहता हूँ कि जो शरीर को घात करते हैं परंतु उसके पीछे और कुछ नहीं कर सकते, उनसे मत डरो। मैं तुम्हें चिताता हूँ कि तुम्हें किस से डरना चाहिए। घात करने के बाद किसको नरक में डालने का अधिकार है उसी से डरो, वरन मैं तुमसे कहता हूँ उसी से डरो। क्या 2 पैसे की 5 गोरैया नहीं बिकती, तो भी परमेश्वर उससे एक उनमें से एक को भी नहीं भूलता। वरन तुम्हारे सिर के सब बाल भी गिने हुए हैं, सो डरो नहीं, तुम बहुत गोरैयों से बढ़कर हो। मैं तुमसे कहता हूँ जो कोई मनुष्यों के सामने मुझे मान लेगा उसे मनुष्य के पुत्र भी परमेश्वर के स्वर्ग दूतों के सामने मान लेगा। परंतु जो मनुष्य के सामने मुझे इनकार करे उसका परमेश्वर के स्वर्ग दूतों के सामने इनकार किया जाएगा। जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहे उसका वह अपराध क्षमा किया जाएगा, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा की निंदा करे उसका अपराध क्षमा न किया जाएगा। जब लोग तुम्हें सभाओं और हकीमों और अधिकारियों के सामने ले जाए तो चिंता न करना कि हम किस रीति से या क्या उत्तर दे या क्या कहे, क्योंकि पवित्र आत्मा उसी घड़ी तुम्हें सिखा देगा कि क्या कहना चाहिए। फिर भीड़ में से एक ने उससे कहा, हे गुरु, मेरे भाई से कहे कि पिता की संपत्ति मुझे बांट दे। उसने उससे कहा, हे मनुष्य, किसने मुझे तुम्हारा न्यायी या बांटने वाला नियुक्त किया है? और उसने उनसे कहा, चौकस रहो और हर एक प्रकार के लोग से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। उसने उनसे एक दृष्टांत कहा कि किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई। तब वह अपने मन में विचार करने लगा कि मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं जहाँ अपनी उपज इत्यादि रखूं। और उसने कहा, मैं यह करूंगा, मैं अपनी बखारियाँ तोड़कर उनसे बड़ी बनाऊंगा और वहाँ अपना सब अन्न और संपत्ति रखूंगा
और अपने प्राण से कहूँगा कि प्राण तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर खा पी सुख से रह। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा। ऐसा ही वह मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं। न्यायों की पुस्तक 7 अध्याय पहले वचन से पढ़ेंगे। तब गिदोन जो यरूब्बाल भी कहलाता है और सब लोग को लोग जो उसके संग थे सवेरे उठे और हरोद नाम सोते के पास अपने डेरे खड़े किए और मिद्यानियों की छावनी उनके उत्तरी ओर मोरे नाम पहाड़ी के पास तराई में पड़ी थी। तब यहोवा ने गिदोन से कहा, जो लोग तेरे संग है वे इतने हैं कि मैं मिद्यानियों को उनके हाथ नहीं कर सकता, नहीं तो इसराइल यह कहकर मेरे विरुद्ध अपनी बड़ाई मारने लगे कि हम अपनी ही भुज बल के द्वारा बचे हैं। इसलिए तू जाकर लोगों में यह प्रचार करके सुना दे कि जो कोई डर के मारे थरथराता हो वह गिलाद पहाड़ से लौटकर चला जाए। तब 22,000 लोग लौट गए और केवल 10,000 रह गए। फिर यहोवा ने गिदोन से कहा, अब भी लोग अधिक हैं, उन्हें सोते के पास नीचे ले चल, वहाँ मैं उन्हें तेरे लिए परखूँगा और जिस जिस के विषय में मैं तुझसे कहूँ कि वह तेरे संग चले वह तो तेरे संग चले और जिस जिस के विषय में मैं कहूँ कि यह तेरे संग न जाए वह न जाए। तब वह उनको सोते के पास नीचे ले गया। वहाँ यहोवा ने गिदोन से कहा, जितने कुत्ते की नाई जीभ से पानी चपड़ चपड़ करके पिए उनको अलग रख और वैसा ही उन्हें भी जो घुटने टेक कर पिए, जिन्होंने मुंह में हाथ लगा चपड़ चपड़ करके पानी पिया उनको तो गिनती 300 ठहरी और बाकी सब लोगों ने घुटने टेक कर पानी पिया। तब यहोवा ने गिदोन से कहा, इन 300 चपड़ चपड़ करके पीने वालों के द्वारा मैं तुमको छुड़ाऊंगा और मिद्यानियों को तेरे हाथ में कर दूंगा और सब लोग अपने अपने स्थान को लौट जाए। तब उन लोगों ने हाथ में सीधा और अपने अपने नरसिंगे लिए और उसने इसराइल के सब पुरुषों को अपने अपने डेरे की ओर भेज दिया, परंतु उन 300 पुरुषों को अपने पास रख छोड़ा और मिद्यान की छावनी उसके नीचे तराई में पड़ी थी। उसी रात को यहोवा ने उससे कहा, उठ छावनी पर चढ़ाई कर क्योंकि मैं उसे तेरे हाथ कर देता हूँ, परंतु यदि तू चढ़ाई करके डरता हो तो अपने सेवक फूरा को संग लेकर छावनी के पास जाकर सुन कि वे क्या कह रहे हैं, उसके बाद तुझे उस छावनी पर चढ़ाई करने का हियाव होगा। तब वह अपने सेवक फुरा को संग ले उन हथियारबंदों के पास जो छावनी की छोर पर थे उतर गया। मिद्यानी और अमाले की और सब पूर्वी लोग तो टिड्डियों के समान बहुत से तराई में फैले पड़े थे और उनके ऊंट समुद्र तीर के बालू के किनकों के समान गिनती से बाहर थे। जब गिदोन वहाँ आया तब एक जन अपने किसी संगी से अपना स्वप्न यो कह रहा था कि सुन, मैंने स्वप्न में क्या देखा है कि जौ की एक रोटी लुढ़कते लुढ़कते मिद्यान की छावनी में आई और डेरे को ऐसा टक्कर मारा कि वह गिर गया और उसको ऐसा उलट दिया कि डेरा गिरा पड़ा रहा। उसके संगी ने उत्तर दिया, यह योआश के पुत्र गिदोन नाम एक इसराइली पुरुष के तलवार को छोड़ कुछ नहीं है, उसी के हाथ में परमेश्वर ने मिद्यान को सारी छावनी समेत कर दिया है। उस स्वप्न का वर्णन और फल सुनकर गिदोन ने दंडवत की और इसराइल की छावनी में लौटकर कहा, उठो, यहोवा ने मिद्यानी सेना को तुम्हारे वश में कर दिया है। तब उसने उन 300 पुरुषों के 3 झुंड किए और एक एक पुरुष के हाथ में एक नरसिंगा और खाली घड़ा दिया और घड़ों के भीतर एक मशाल दी थी। फिर उसने उनसे कहा, मुझे देखो और वैसा ही करो। सुनो, जब मैं उस छावनी की छोर पर पहुंचूं तब जैसा मैं करूं वैसा ही तुम भी करना, अर्थात जब मैं और मेरे सब संगी नरसिंगा फूंके तब तुम भी छावनी के चारों ओर नरसिंगा
नरसिंगे फूंकना और ललकारना कि यहोवा की और गिदोन की तलवार। बीच बीच वाले पहाड़ पहर के आदि में जो ही पहरुए की बदली हो गई थी, त्यों ही गिदोन अपने संग के 100 पुरुषों समेत छावनी की छोर पर गया और नरसिंगे को फूंक दिया और अपने हाथ के घड़ों को तोड़ डाला। तब तीनों झुंडों में ने नरसिंगों को फूंका और घड़ों को तोड़ डाला और अपने अपने बाएं हाथ में मशाल और दहिने हाथ में फूंकने को नरसिंगा लिए हुए चिल्ला उठे यहोवा की तलवार और गिदोन की तलवार। तब वे छावनी के चारों ओर अपने अपने स्थान पर खड़े रहे और सब सेना के लोग दौड़ने लगे और उन्होंने चिल्ला चिल्ला कर उन्हें भगा दिया और उन्होंने 300 नरसिंगों को फूंका और यहोवा ने एक एक पुरुष की तलवार उसके संगी पर और सब सेना पर चलवाई। तो सेना के लोग सरेरा की ओर बतशित्ता तब और तब्बात के पास के अबेल महोला तक भाग गए। तब इसराइली पुरुष नप्ताली और आशेर और मनश्शे के सारे देश से इकट्ठे होकर मिद्यानियों के पीछे पड़े और गिदोन ने एप्रैम के सब पहाड़ी देश में यह कहने को दूत भेज दिए कि मिद्यानियों से मुठभेड़ करने को चले आओ और यर्दन नदी के घाटों को बेतबारा तक उनसे पहले अपने वश में कर लो। तब सब अप्रैमी पुरुषों ने इकट्ठे होकर यर्दन नदी को बेतबारा तक अपने वश में कर लिया और उन्होंने ओरेब और जेब नाम मिद्यान के दो हकीमों को पकड़ा और ओरेब को ओरेब नाम चट्टान पर और जेब को जेब नाम दाखरस के कुंड पर घात किया और वे मिद्यानियों के पीछे पड़े और ओरेब और जेब के सिर यर्दन के पार गिदोन के पास ले गया। न्यायियों की पुस्तक अध्याय 8। तब एप्रैमी पुरुषों ने गिदोन से कहा, तूने हमारे साथ ऐसा बर्ताव क्यों किया है कि जब तू मिद्यान से लड़ने को चला तब हमको नहीं बुलवाया? सो उन्होंने उससे बड़ा झगड़ा किया। उसने उनसे कहा, मैंने तुम्हारे समान भला अब किया ही क्या है? क्या एप्रैम की छोड़ी हुई दाख भी अबीएजेर की सब फसल से अच्छी नहीं है? तुम्हारे ही हाथों में परमेश्वर ने ओरब और जेब नाम मिद्यान के हकीमों को कर दिया, तब तुम्हारे बराबर मैं कर ही क्या सका? जब उसने यह बात कही तब उनका जी उसकी ओर से ठंडा हो गया। तब गिदोन और उसके संग तीन सौ पुरुष जो थके मांदे थे तो भी खदेड़ते ही रहे थे, यर्दन के तीर आकर पार हो गए। तब उसने सुक्कोत के लोगों से कहा, मेरे पीछे इन आने वालों को रोटियां दो क्योंकि वे थके मांदे हैं, और मैं मिद्यान के जेबह और सलमुन्ना नाम राजाओं का पीछा कर रहा हूँ। सुक्कोत के हकीमों ने उत्तर दिया, क्या जेबह और सलमुन्ना तेरे हाथ में पड़ चुके हैं कि हम तेरी सेना को रोटी दें? गिदोन ने कहा, जब यहोवा जेबह और सलमुन्ना को मेरे हाथ में कर देगा तब मैं इस बात के कारण तुमको जंगल के कटीले और बिच्छू पेड़ों से नुचवाऊँगा। वहाँ से वह पनुएल को गया और वहाँ के लोगों से ऐसी ही बात कही और पनुएल के लोगों ने सुक्कोत के लोगों का सा उत्तर दिया। उसने पनुएल के लोगों से कहा, जब मैं कुशल से लौट आऊँगा तब इस गुम्मट को ढा दूँगा। जेबह और सलमुन्ना तो करकोर में थे और उनके साथ कोई 15,000 पुरुषों की सेना थी, क्योंकि पूर्वियों की सारी सेना में से उतने ही रह गए थे जो मारे गए थे, वे 120,000 हथियारबंद थे। तब गिदोन ने नोबह और योगबहा के पूर्व की ओर डेरों में रहने वालों के मार्ग में चढ़कर उस सेना को जो निडर पड़ी थी मार लिया, और जब जेबह और सलमुन्ना को पकड़ लिया और सारी सेना को भगा दिया और योवाश का पुत्र गिदोन हेरेस नाम चढ़ाई पर से लड़ाई से लौटा और सुक्कोत के एक
17 वचन से आगे पढ़ेंगे। सत्रह वचन से पढ़ेंगे। और उसने पनुएल के गुम्मट को ढा दिया और उस नगर के मनुष्यों को घात किया। फिर उसने जेबोह और सलमुन्ना से पूछा, जो मनुष्य तुमने ताबोर पर घात किए थे वे कैसे थे? उन्होंने उत्तर दिया, जैसा तू वैसे ही वे भी थे, अर्थात एक एक करूब राजकुमार का सा था। उसने कहा, वे तो मेरे भाई वरन मेरे सहोदर भाई थे। यहोवा के जीवन की शपथ, यदि तुमने उनको जीवित छोड़ा होता तो मैं तुमको घात न करता। तब उसने अपने जेठे पुत्र यतेरे से कहा, उठकर इन्हें घात कर। परंतु जवान ने अपनी तलवार न खींची, क्योंकि वह उस समय तक लड़का ही था, इसलिए वह डर गया। तब जेबह और सलमुन्ना ने कहा, तू उठकर हम पर प्रहार कर, क्योंकि जैसा पुरुष हो वैसा ही उसका पौरुष भी होगा। तब गिदोन ने उठकर जेबह और सलमुन्ना को घात किया और उनके ऊँटों के गलों के चंद्रहारों को ले लिया। तब इसराइल के पुरुषों ने गिदोन से कहा, तू हमारे ऊपर प्रभुता कर, तू और तेरा पुत्र और पोता भी प्रभुता करे, क्योंकि तूने इसको मिद्यान के हाथ से छुड़ाया है। गिदोन ने उनसे कहा, मैं तुम्हारे ऊपर प्रभुता न करूँगा और न मेरा पुत्र तुम्हारे ऊपर प्रभुता करेगा, यहोवा ही तुम पर प्रभुता करेगा। फिर गिदोन ने उनसे कहा, मैं तुमसे कुछ मांगता हूँ, अर्थात तुम मुझको अपनी अपनी लूट में की बलियाँ दो। वे तो इस इराम इश्मायली थे, इस कारण उनकी बालियाँ सोने की थी। उन्होंने कहा, निश्चय हम देंगे। तब उन्होंने कपड़ा बिछाकर उसमें अपनी अपनी लूट में से निकालकर बालियां डाल दी। जो सोने की बालियां उसने मांग ली, उनका तौल 1,700 शिकेल हुआ और उनको छोड़ चंद्रहार झुमके और बैंगनी रंग के वस्त्र को जो मिद्यानियों के राजा पहने थे और उनके ऊँटों के गलों की जंजीर। उनका गिदोन ने एक इपोद बनवाकर अपने ओपरा नाम नगर में रखा और सब इसराइल वहाँ व्यभिचारिणी की नाई उसके पीछे हो लिया, और वह गिदोन और उसके घराने के लिए फंदा ठहरा। इस प्रकार मिद्यान इसराइलियों से दब गया और फिर सिर न उठाया, और गिदोन के जीवन भर अर्थात 40 वर्ष तक देश चैन से रहा। योआश का पुत्र यरूब्बाल तो जाकर अपने घर में रहने लगा, और गिदोन के 70 बेटे उत्पन्न हुए, क्योंकि उसके बहुत स्त्रियां थीं। और उसकी जो एक रखेली शकेम में रहती थी, उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ और गिदोन ने उसका नाम अबीमेलेक रखा। निदान योआश का पुत्र गिदोन पूरे बुढ़ापे में मर गया और अजियजीरियों के उपरानाम गांव में उसके पिता योआश की कब्र में उसको मिट्टी दी गई। गिदोन के मरते ही इसराइली फिर गए और व्यभिचारिणी की नाई बाल देवताओं के पीछे हो लिए और बाल बरित को अपना देवता मान लिया। और इसराइलियों ने अपने परमेश्वर यहोवा को, जिसने उनको चारों ओर के सब शत्रुओं के हाथ से छुड़ाया था, स्मरण न रखा, और न उन्होंने यरूब्बाल अर्थात गिदोन की उस सारी भलाई के अनुसार जो उसने इसराइलियों के साथ की थी उसके घराने को प्रीति दिखाई। थैंक यू जीसस, धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा। हम परमेश्वर का आज्ञा पालन करने में चौकसी करने के लिए हमारी सहायता करो। जैसा परमेश्वर हमारे लड़ाई को जीतना चाहता है, शत्रुओं को झुकाना चाहता है, हमें वह समझ आने दीजिए और हमारे मन बुद्धि सोच में परमेश्वर की योजनाएं स्थिर कर दीजिए। पवित्र आत्मा, जैसा गिदोन के लिए परमेश्वर ने युद्ध किया और मिद्यानियों को उसके सामने दबा दिया, वैसे ही हमारे शत्रु जो अपने बल आत्माओं के अंदर से लाते हैं, मेरे पिता परमेश्वर
ईश्वर हमें योजना दे, हमें चला तेरे रास्ते, और वो बल आत्माओं के अंदर से जो अशुद्धता के हैं उसको दबोच कर गिरा देने के लिए, दबा देने के लिए हमें सहायता कर, हमारी मदद करो पवित्र आत्मा, हम फिट एंड फिक्स हो जाए आप जो वचन हमको पढ़ाए उसमें, और ईश्वरीय रचना डिवाइन ऑर्डरलीनेस में हमको लेकर आइए। नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं पिता, सुन और कबूल कर। आमेन आमेन आमेन। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं। आमेन आमेन आमेन। अगर आप पढ़ना चाहते हैं और आगे, तो आप रोमन्स 8 चैप्टर 29 से 39 वर्स, सैम्स 114-115 चैप्टर पढ़ सकते हैं। रोमियो की पत्री 8 अध्याय 29 वचन से 39 वचन तक, भजन संहिता 114 और 115 अध्याय पढ़ सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह हम सबके साथ बना रहे, हमारी सहायता करे और उसकी उन्नति में हम उसको महिमा देने वाले काम कर पाए। नासरी यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं पिता, सुन और कबूल कर। आमीन आमीन आमीन।